हेलो फ्रेंड्स, आज बनाऊंगी मैं बिल्कुल बाजार जैसा टेस्टी वेज मंचूरियन। तो मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बंद गोभी का फूल आधा ले लिया है। इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी और इसको निचोड़ कर इसका पानी निकाल लूँगी। देखिए मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे मसाले, डालेंगे एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच नॉर्मल मिर्च, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और एक डेढ़ चम्मच डाल देंगे हम नमक। अब डालेंगे इसके अंदर तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और डालेंगे तीन चम्मच मैदा, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो बंद गोभी के साथ शिमला मिर्च और गाजर भी डाल सकते हैं, पर जो बाजार जैसे बने होते हैं वो सिर्फ पत्ता गोभी के ही बने होते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल बाजार जैसे बनाएंगे तो इसके लिए सिर्फ हमने पत्ता गोभी ही ली है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये ढीला है तो मैं इसके अंदर एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लावर और डाल देती हूँ। और डाल देंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर। अगर आपके पास कलर नहीं है तो यहाँ पे आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। जो बाजार के मंचूरियन होते हैं देखने में कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ही ऐसे ही बनाएंगे आज हम। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम सब सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मैं इसके अंदर से अभी आपको बोल बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बना लेंगे हम सारी बॉल को। अब करेंगे इन्हें फ्राई। तो मैंने गैस पे पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इनको सेकेंगे, स्लो गैस पे ही करेंगे हम इनको फ्राई। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो बाहर से तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे पर अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रहेंगे। नीचे से सेकने देंगे इन्हें पहले, फिर इसके बाद हम इनको पलटेंगे। नीचे से सिक गए, अब हम इन्हें पलट लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी बॉल्स फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्राई कर लेंगे हम सारी बॉल्स। कढ़ाई में डाल देंगे दो बड़े चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच लहसुन। चलाएंगे इसको और अब डाल देंगे एक बड़ा चम्मच अदरक। मैंने लहसुन को थोड़ा पतला पतला लंबा काट लिया है, आप चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं। मंचूरियन में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लहसुन ज़्यादा डाला है इसके अंदर। जो बाजार के मंचूरियन होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारा लहसुन डाला होता है। अब डाल देंगे एक प्याज बारीक कटी हुई। इसको अच्छे से चलाएंगे। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ सॉफ्ट होने तक ही पकाएंगे इसको। डाल देंगे एक हरी मिर्च। अब डाल देंगे शिमला मिर्च और गाजर। शिमला मिर्च और गाजर को मैंने पतला पतला लंबे साइजों में काट लिया है, आप चाहें तो छोटे साइजों में काट सकते हैं। बस हल्का सा पकाएंगे सब्जियों को। देखिए फ्रेंड्स, इतना ही पकाएंगे। अब हम डाल देंगे इसमें दो बड़े चम्मच सोया सॉस, दो बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस, दो बड़े चम्मच रेड चिली सॉस,
तीन बड़े चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर टमाटो सॉस, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे एक चम्मच काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, इसको मिक्स करेंगे। अब डाल देंगे फूड कलर, मिक्स करेंगे। अब डाल देंगे एक गिलास पानी, अगर आपके पास बोल्स कम है तो आप आधा गिलास पानी डालें। बाजार जैसी ग्रेवी बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। तो मैंने एक कटोरी में दो बड़े चम्मच ले लिया है कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर पानी, इसको पानी में घोलकर मैं इसके अंदर डाल दूंगी ग्रेवी के अंदर, देखिए फ्रेंड्स, और चला लेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स कितनी गाढ़ी हो गई है ग्रेवी। अब मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे इसके अंदर, देखिए मेरे पास थोड़ी सी मैंने बिना कलर की बनाई थी और ये कलर वाली है, इन दोनों को हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी हम थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि जो हमारी बॉल्स हैं वो थोड़ी सी ग्रेवी अब्जॉर्ब भी करती हैं अपने अंदर। एक मिनट के लिए इसको ऐसे पकने देंगे हम। अब सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है हमारी मंचूरियन। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।